हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर विकास दुबे से जुड़ी हुई है। विकास दुबे का साथी नंबर एक, गुर्गा नंबर एक अमर दुबे मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था। भागते समय उसने पुलिस पर गोलियां चलाई और उसी इनकाउंटर में वो पुलिस की गोली से हमीरपुर जिले के मौदा थाने के पास मारा गया। अड़तरा गांव के पास की ये घटना है। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हमीरपुर में एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नमस्ते भारत में यूपी के हमीरपुर के एसपी श्लोक कुमार ने बकायदा बताया है कि एनकाउंटर में दोस्त अमर दुबे न सिर्फ मारा गया बल्कि उससे हथियार बरामद हुए। और बड़ी बात यह है कि ऐसे ही गांव के गांव पीछे पीछे छुप छुपाकर कोशिश उसकी ये थी कि कैसे भी वो मध्य प्रदेश पहुंच जाए, लेकिन रास्ते में पुलिस के भेस में मौत खड़ी थी उसके। जिस जगह एनकाउंटर हुआ इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जहां जहां सबूत मिल रहे हैं, जहां जहां सामान मिल रहा है जो उसके पास था, उस जगह को इनसर्कल कर दिया गया है। सुनिए, थाना मौदा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ, इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है, यहाँ से सारे साक्ष्य जो है एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जाँच करा रहे हैं। गाँव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे तो न सिर्फ विकास दुबे की अपराध की लंका ढही बल्कि उसके आसपास के जितने गुर्गे थे वो तमाम लोग जो उसकी शील्ड बने हुए थे, जो संरक्षण दे रहे थे उसके साथ ही, कैसे या तो पुलिस की गिरफ्त में है या मारे जा रहे हैं। देखिए बिकरू हत्याकांड में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे मारा गया, उसके अलावा कुछ और रिश्तेदार भी उसके पकड़ में है और कुछ को मार गिराया गया। अतुल दुबे जो कि इसका चचेरा भाई बताया गया है वो भी पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। आज गुर्गा नंबर वन अमर दुबे मार गिराया गया है। अमर दुबे सीधा हाथ माना जाता था। इसके अलावा दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार किया जा चुका है। दयाशंकर अग्निहोत्री वही जिसने अस्पताल में बयान दिया था कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। प्रभात मिश्रा भी गिरफ्तार कर लिया गया। पांच लोग जो विकास दुबे की सबसे बड़ी ताकत थे उनमें से तीन, प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे, अमर दुबे मार गिराए हैं। दयाशंकर अग्निहोत्री वो व्यक्ति है जिसकी राइफल से पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई गई थी, ये गिरफ्तार है। प्रभात मिश्रा भी गिरफ्तार है। अमर दुबे की दादी क्या कह रही है सुनिए और जानिए कि अपराधी के अपराधियों का अंत कैसे होता है। अरे भगवान बेटा, मेरा तो परिवार तो बर्बाद कर दिया। परिवार ये विकास नहीं बर्बाद किया। हाँ? ये विकास नहीं तो परिवार बर्बाद किया, क्या मानती है? परिवार हमारा बर्बाद हो गया। अभी बेटा थोड़े दिन था, बाबा को मरे हुए, मेरा दुख दुम नहीं हुआ था, मेरी कोई बात नहीं, चिंता, अकेले पड़े रहते, मिल गया खाना खा लिया, हमें कोई नहीं किए, हमारा घर है। अमर दुबे की दादी फफक फफक के रो रही है, कह रही है कि कभी अमर दुबे ने मेरी बात नहीं सुनी और उसी का नतीजा है जो उसके साथ हुआ, वो मारा गया। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विकास दुबे की तलाश लगातार जारी है। होटल से जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई उसके आधार पर उसकी तलाश चल रही है और अमर दुबे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है जो घटनास्थल पर मार गिराया गया। अमर दुबे की मौके की तस्वीरें हैं हमीरपुर के मौदा थाने के अतर्रा गांव की, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था अमर दुबे। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, पुलिस पर इसने गोलियां भी चलाई और ये वही अमर दुबे है जो विकास दुबे की घर की छत से बिकरा गांव में आठ पुलिस कर्मियों को अपनी राइफल से छर निकल चुका है। तो फरीदाबाद के होटल में दिखने का दावा विकास दुबे का था, जिसकी तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज आपको सुबह से दिखा रहा है। इसके अलावा अमर दुबे विकास दुबे का सबसे करीबी, उसका सीधा हाथ माना जाता था, वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है। दो तस्वीरें आपके सामने इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब पूरी तरह से अकेला हो चुका है विकास दुबे, क्योंकि उसके जितने आसपास के लोग जो उसका संरक्षण कर रहे थे, उसके साथी थे, उसके गुर्गे थे, या तो मार गिराए गए या पुलिस की गिरफ्त में है। खुद गुरुग्राम के कमिश्नर इस बात की तस्दीक करते हैं कि अमर दुबे अकेला है, ना उनके पास ना उसके पास कोई गाड़ी है, अब या तो कैब या ऑटो का सहारा उसे है। सुनिए गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर क्या कह रहे हैं। ये विकास दुबे की फोटो है, ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है
और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या थ्री व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा, हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है। तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें, इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। तो के राव को आप सुन रहे थे जो कि गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर हैं, जिन्होंने तस्वीर के बिना पर कह दिया है कि ये बचना नहीं चाहिए। इसके अलावा इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे से जुड़ी हुई, बड़ी खबर जान लीजिए। विकास दुबे का एक साथी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है, श्यामू वाजपेयी को चौबेपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी पर भी 25,000 का इनाम है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, कानपुर के चौबेपुर थाना पुलिस ने विकास दुबे के एक और साथी श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार किया है। तो एक एक करके विकास दुबे का हर प्यादा या तो गिरफ्तार हो रहा है या मारा जा रहा है। विकास दुबे का एक और साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, बड़ी जानकारी अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी रणवीर से। रणवीर, बहुत बड़ी खबर। जी बिल्कुल, आज पुलिस को दूसरी बड़ी सफलता है। सबसे पहले अमर दुबे की एनकाउंटर हुआ और उसके बाद श्यामू वाजपेयी को हिरासत में लिया गया। एनकाउंटर के बाद ही पैर में गोली लगाई है और 25,000 रुपए का इनामी था। और अमर दुबे वाले ये विकास दुबे के मामले में जो FIR दर्ज हुई थी उसमें 21 नामजद लोग थे, जिसमें तीसरे नंबर पर था श्यामू वाजपेयी। तो फिलहाल चौबेपुर इलाका ही है जो जहां कानपुर में ये वारदात हुई थी, उसी इलाके से श्यामू वाजपेयी को एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी कही जाएगी और आज की दूसरी बड़ी सफलता, क्योंकि सुबह अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ और अब श्यामू वाजपेयी पुलिस की गिरफ्त में है। और हो सकता है कि जिस तरीके से ये विकास दुबे का सहयोगी रहा है, काफी करीबी रहा है, तो वहां से अब और जानकारियां मिल सकती हैं। तो फिलहाल रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो रही है रणवीर, क्या उनसे कोई जानकारी अब तक निकल कर सामने आई है? रिश्तेदार कुछ बता रहे हैं? देखिए, पुलिस जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबकी जांच कर रही है और विकास दुबे की जो पत्नी ऋचा दुबे, उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। शहडोल मध्य प्रदेश से पूछताछ हो रही है, इसके पहले भी जो अग्निहोत्री गिरफ्तार किया गया था उससे भी पूछताछ हो रही है। अभी जो एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, यानी कि हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी। पूछताछ की अवस्था में जो श्यामू वाजपेयी है वो है, उससे भी फिलहाल पुलिस पूछताछ करेगी। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कुछ जानकारी दे सकते हैं, पुलिस उनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। आपको बताऊं कि 250-300 के आसपास मोबाइल फोन जो है वो ट्रेस पे रखे गए हैं। उन फोन ट्रेस से भी जो जानकारी निकल रही है वो भी पुलिस के लिए कुछ उपयोगी हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में सुबह जो CCTV की तस्वीर आई और उसमें कुछ इस तरह के क्लू मिले हैं कि जो आदमी होटल आया था वो लंगड़ा कर चल रहा था, और जब विकास दुबे की मां ने हमसे बात की तो उन्होंने बताया था कि दोनों पैर में विकास दुबे के रॉड पड़ा है, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पाता है। उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो तस्वीर में शख्स दिखाई दे रहा है वो विकास दुबे हो। ऐसे में NCR के पूरे इलाके में अलर्ट है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहां की पुलिस के साथ मिलकर यूपी पुलिस और STF लगातार इस मामले को आगे बढ़ा रही। उम्मीद है कि रणवीर आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको वो 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर विकास दुबे के साथी और उसके आसपास के लोग हैं। विकास के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह ताकि वो किसी भी सूरत में हाथ से निकल ना जाए। 12 गुर्गों की तलाश की जा रही है। बाकायदा कानपुर पुलिस ने उसके 12 गुर्गों की तस्वीरें जारी की, जिसमें से एक अमर दुबे मार गिराया गया। इसके अलावा होटल में विकास दुबे कल दिखा है फरीदाबाद के, विकास की पत्नी कहाँ है इस बारे में अब तक सवाल बना हुआ है। STF के शिकंजे में हालांकि विकास का साल आ चुका है, जो ये कह रहा है कि 15 साल से विकास दुबे से मेरा कोई संपर्क नहीं। सबके बीच यूपी पुलिस अब भी विकास दुबे की तलाश में है। कहां तक पहुंची है जांच, हमारी रिपोर्ट बताएगी आपको। पांच दिन से कुख्यात विकास दुबे यूपी पुलिस की 40 टीमों को छका रहा है। यूपी से नेपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की लगती सीमाओं पर पुलिस का सख्त पहरा है। कहां कहां भाग सकता है विकास? पुलिस को लग रहा है कि विकास कानपुर से राजस्थान के भरतपुर चला गया, क्योंकि भरतपुर में बदमाशों का बड़ा गैंग है। संभावना कानपुर से औरैया के रास्ते मध्य प्रदेश भागने की भी है। इस बीच कुख्यात विकास दुबे की लोकेशन बिजनौर में मिली। उत्तराखंड की कोटद्वार पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर SSB सतर्क है। चंबल घाटी का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के पोस्टर से पाट दिया गया है, लेकिन कहीं से विकास की कोई जानकारी नहीं है।
मिनट टू मिनट जो विवेचनाएं चल रही हैं उसके उसको मीडिया के साथ या किसी के साथ शेयर करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर वो मुख्य अभियुक्त कहीं भी जाएगा हम उसको जरूर ढूंढ निकालेंगे और जैसे ही हमारे गिरफ्त में आएगा हम सभी मीडिया के बंधुओं से उसके बारे में सभी सूचनाएं शेयर करेंगे। सुराग तलाशते हुए पुलिस एक बार फिर विकास के उसी नरसंहार वाले घर पहुंची। पूरे घर को गिराने के बाद भी पुलिस ने पता नहीं कहां छापेमारी की कि वहां से 15 देशी बम, 25 कारतूस और 2 किलो विस्फोटक मिला। फर्जी पहचान पत्र और कई पार्टियों के झंडे भी मिले। विकास के लखनऊ वाले घर पर भी छापा पड़ा। LDA के अधिकारी पहुंचे, घर के दस्तावेजों की वैधता जांची। 9:40 हो रहा है, विकास कहाँ है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। 5 राज्यों की पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है, इसके अलावा उसकी तलाश लगातार जारी है। बिकरू नरसंहार में 2 ऐसे चेहरे भी हैं जो कल ही सबके सामने आए। ये 2 चेहरे विकास दुबे से गहरा नाता रखते हैं। कुख्यात विकास दुबे ने इन 2 चेहरों के रिश्ते और रिश्तों के पीछे छिपी कहानी जानी। बिकरू नरसंहार में ये 2 नए चेहरे विकास दुबे की हकीकत बताएंगे। ये बताएंगे कि विकास से सिर्फ बाहर वाले ही नहीं बल्कि घर वाले भी त्रस्त थे। अब इस पर तो उनको दंड दे दिया जाए कठी से कठी। ये हैं चंद्रकांता, कुख्यात विकास की बहन है। 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी भाई को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। मैं 15 साल से कानपुर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं। मैं 15 साल पहले वहाँ से सब छोड़ के चला आया था। उसका कारण यह है कि 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंस चुका था इनके पीछे, तो मैं वहाँ से सब कुछ अपना छोड़ के चला आया। ये विकास के साले ज्ञानेंद्र प्रकाश निगम उर्फ राजू खुल्लर हैं। MP में शहडोल के बुढ़ार में रहते हैं। बिकरू नरसंहार के बाद पहली बार सामने आए और खौफ की कहानी सुनाई। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ नाजायज ना हो, मुझे फर्जी मुकदमे में ना फंसाया जाए, ना मेरी हत्या की जाए। ज्ञानेंद्र के बेटे आदर्श अभी UPSTF की हिरासत में है। वजह खुद ज्ञानेंद्र से सुनिए। मेरा लड़का दुकान में बैठा था, उसको यूपी की एसटीएफ की टीम आई और उसको पकड़ के ले गई। मैं रात में 12:30 जब लौटा हूँ तो मेरी पत्नी ने मुझको बताया कि आदर्श को पुलिस ले गई है। आदर्श को पुलिस ले गई, तो मैंने कहा फोन लगा के उनसे बताओ कि उसके बाप घर आ गए हैं। फोन लगाती रही मेरी पत्नी, किसी ने फोन नहीं उठाया। ज्ञानेंद्र का दावा है कि उनकी बहन और उनका 15 साल से विकास से कोई लेना देना नहीं है। 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंसा हूँ, संबंध था 15 साल से छोड़ दिया मैंने जब मुकदमे छूट गए। MP पुलिस ने ज्ञानेंद्र से सहयोग मांगा है। कानपुर के एक वांछित अपराधी विकास दुबे के रिश्तेदार जो कि उनके रिश्ते से साले रखते हैं, वो बुढ़ार क्षेत्र में रहते हैं राजू निगम, उन्हें तलाशने के लिए UPSTF टीम आई थी। और आज जब राजू निगम और उनकी पत्नी ने यहाँ शहडोल पुलिस से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने यह अपेक्षा की कि जो भी UPSTF या UP पुलिस की सहयोग की अपेक्षा हो उसके लिए करने के लिए तैयार हैं, और पिछले 15 वर्षों से उसका विकास दुबे से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है, इस तरह की सूचना उन्होंने देने का चाहा है। जबकि नरसंहार के बाद से विकास दुबे की पत्नी ऋचा गायब है। जांच में ऋचा पर बड़ा खुलासा हुआ है। ऋचा के मोबाइल में विकास के बिकरू स्थित घर के सभी कैमरों का फुटेज लाइव होता था, ताकि पुलिस के आते ही विकास और उसके गुर्गों को खबर कर सके। यानी ऋचा विकास के हर काले कारनामे से वाकिफ थी, इसलिए पुलिस ऋचा को भी ढूंढ रही है और उसका इतिहास खंगाल रही है। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी मामले में पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर हो जाए। बिकरू नरसंहार में ऐसा ही तो हुआ है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे फरार है और एक एक करके उत्तर प्रदेश के कई पुलिस वाले नपरे हैं। जांच एजेंसी के DIG बदले, चौबेपुर का थाना बदला। 2 मार्च को हुए बिकरू नरसंहार के बाद हर बीतते दिन के साथ पुलिस वाले नप रहे हैं। 7 जुलाई को जांच में लगी UPSTF के DIG अनंत देव का ट्रांसफर कर उन्हें मुरादाबाद PAC का DIG बनाया गया। इसी दिन चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। चौबेपुर थाने में 10 सिपाहियों की नियुक्ति भी हुई। इससे पहले 6 जुलाई को चौबेपुर थाने के 3 पुलिस वाले निलंबित हुए। 4 जुलाई को चौबेपुर के SO विनय तिवारी सस्पेंड किया गया था। कानपुर के तत्कालीन SSP अनंत देव को शक के घेरे में लाई विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के साथ वाली ये तस्वीर, साथ ही शहीद CO देवेंद्र मिश्र की एक गुमनाम चिट्ठी।
दावा है कि चिट्ठी के जरिए देवेंद्र मिश्रा ने एसओ विनय तिवारी के तमाम काले कारनामों की जानकारी अनंत देव को दी थी। साथ ही शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र और अनंत देव की बातचीत का ऑडियो भी वायरल है। इस ऑडियो में विनय तिवारी की शिकायत का दावा है, जबकि एसओ विनय तिवारी पर विकास दुबे से सांठगांठ और मुखबिरी के आरोप है। पुलिस अधिकारियों से विकास दुबे के संबंधों की जांच का जिम्मा आईजी लक्ष्मी सिंह को सौंपा गया है। की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दो पिस्तौल उत्तर प्रदेश पुलिस की मारे गए कर्मचारियों की बरामद की गई है उसी होटल के कमरे से जहां विकास दुबे के दिखने का दावा किया गया था। पुलिस ने 4 पिस्तौल और 50 कारतूस के साथ विकास के 3 साथी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश हत्याकांड में शामिल विकास के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। अपडेट लेंगे संवाददाता अभिषेक से। अभिषेक, बहुत बड़ी कामयाबी। जी, इसमें अभी जो पुलिस सूत्रों का कहना है उसमें यह है कि 3 लोगों को अभी पकड़ा गया है जिनका संपर्क जो है विकास दुबे से था। इसमें से एक प्रभात मिश्रा बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि प्रभात जो है विकास दुबे का भांजा लगता है रिश्ते में। उसने अपने साथी अंकुर के साथ मिलकर जो है विकास को यहां शरण दिलवाई थी और इसमें पुलिस ने जो है अंकुर श्रवण, अंकुर के पिता का नाम है श्रवण, वो और प्रभात मिश्रा को जो है गिरफ्तार किया है। और पुलिस का ये पुलिस सूत्रों का कहना है कि 2 पिस्तौल जो है बरामद की गई है। ये 2 पिस्तौल जो है यूपी पुलिस की सरकारी पिस्तौल बताई जा रही है। इसके अलावा जो है पुलिस ने भारी संख्या में कारतूस भी जो है बरामद किए हैं। हालांकि अभी इस पर जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है अभी फिलहाल। और ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है, बहुत बड़ी जानकारी दे रहा है। जानकारी ये भी निकल कर सामने आई है कि प्रभात उर्फ कार्तिकेय की ही जो है सूचना के आधार पर अमर दुबे का एनकाउंटर किया गया। अमर दुबे के बारे में जानकारी देने वाला था प्रभात, जिसको गिरफ्तार किया गया। तो अब कड़िया से कड़िया जुड़ने लगी है अभिषेक। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच, तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं हम अभिषेक से, और जानकारी लेंगे। बिकरू केस में पुलिस से लूटे गए हथियार बरामद हुए हैं फरीदाबाद के उसी होटल में जहां 2 घंटे विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ ठहरा। गिरफ्तार प्रभात की जानकारी अमर दुबे की जानकारी पर ही अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए अंकुर और प्रभात की गिरफ्तारी के बाद ही अमर दुबे का सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ है।